Hello students, how are you? I hope that you all have been enjoying your life with all the safety against coronavirus, COVID-19. Okay? Now, I'm going to tell you about the poem, the very important poem, the poem full of enthusiasm and great value about life, the important about the continuity of life. So, the poem is The Fountain. एक फब्बारे कहानी है एंड द पोइट इज जेम्स रसेल लॉवेल. क्या कहते हैं लॉवेल साहब इस पोएम में? इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट. तो ये स्टेंजा में पोइट हमें बता रहे हैं कि फाउंटेन एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूटी के लिए जाना जाता है. चाहे सुबह हो या शाम हो, हमेशा ये वर्क करता रहता है. फाउंटेन देखा ना, फब्बारा चलता रहता है. और चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा चमकता रहता है, चलता फिरता रहता है और कभी रुकता नहीं है. सूरज की रोशनी हो तो चमकता है, चांद की रोशनी में खूबसूरत लगता है, तारों की रोशनी में भी टिमटिमाता हुआ लगता है. इन अदर वर्ड्स, इट लुक्स ब्यूटिफुल. इट कंटिन्यूअली वर्क्स इन इधर मॉर्निंग, इवनिंग और एट नाइट. इट डजेंट मैटर अबाउट द वेदर, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इन सब में हमारा फब्बारा चलता ही रहता है, चमकता ही रहता है. और किसी भी मौसम में ये अपने काम को कम नहीं करता, कभी थकता नहीं. बड़ी अच्छी लाइन इसमें आती है कि इट नेवर टेक्स रेस्ट, इट ऑलवेज वर्क्स इन एवरी सीजन, एवरी वेदर, एवरी कंडीशन, एवरी सिचुएशन. कहीं ना कहीं इस पोएम के जरिए, जैसा कि मेरा मानना है और शायद सच भी है, कि कोई भी राइटर हुआ, पोइट हुआ, स्टोरी राइटर हुआ, फिक्शन राइटर हुआ, जब भी वो कोई कहानी लिखता है, कविता लिखता है, या गीत लिखता है, या कुछ भी पाठ लिखता है, आलेख लिखता है, निबंध लिखता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों वो समाज को कोई संदेश देना चाहता है. सिर्फ रटने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है. बात फब्बारे की नहीं है, फब्बारा देख के जीवन जीने की कला के बारे में है. इट इज़ नॉट अबाउट टू वॉच द फाउंटेन, इट्स वीडियो, सॉरी, इट्स वर्क्स, its continuity, its beauty. The matter is that we all have to know how we can learn something from that lifeless thing to our liveliness or livelihood. कि बेजान चीज़ें भी हमें जानदार हो जाती हैं, बेजान चीज़ों से भी हमें जिंदा रहने के तरीके मिल सकते हैं, जैसे कि फाउंटेन. एक और बड़ी अच्छी बात कही है कि एक रेस्ट नहीं करता. कई बार हम, ये बड़ा बड़ी बात है, ये हमें सिखाया गया है कि, और ये पोइट हमें कहना चाहते हैं कि हमें इसे सीख के लगातार काम करना चाहिए. हमारा एक बहुत मशहूर एक है ना, एक टैगलाइन भी तो है, चरैवेति चलते रहो. तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें पोइट इस पोएम के जरिए हमसे कहना चाहता है. और हमारा कल्चर भी बताता है, हमारी संस्कृति भी बताती है. गीता का श्लोक भी कहता है, उत्थ जागृत, उठो जागो और आगे बढ़ो. श्री कृष्ण भी अर्जुन से ही कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना चाहिए. कर्म मंडे वाधिकाराष्टे महाफलेषु कदाचना, कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर तू इंसान, और जैसा कर्म किया है वैसा फल देगा भगवान. ये है गीता का ज्ञान. तो वही कर्म करने का, वही कार्य करने का हमें संदेश इस पोएम के माध्यम से पोइट देना चाहता है, विद द हेल्प ऑफ द फाउंटेन. लास्ट में पोइट ये भी कहता है बच्चों कि मैं विश करता हूँ, लेट माई हर्ट बी लाइक द फाउंटेन, काश मेरा हृदय भी फाउंटेन की तरह हो जाए. कैसे? फ्रेश, चेंजफुल एंड कॉन्स्टेंट, हमेशा तरोताज़ा. आप दिन में देखें, दोपहर में देखें, रात में देखें, फाउंटेन लगातार तरोताज़ा रहता है, हमेशा से फ्रेश दिखता है, काम करते दिखता है, थकता नहीं है, एंड गोइंग अपवर्ड, हमेशा ऊपर ही पानी फेंकता रहता है. आई होप from the poet as well as from my part, dear ones, that you all must do your work like the fountain and go on to the higher destinations, higher success and achievements to your life. आप भी ऐसे ही फाउंटेन की तरह कार्य करते रहें, आगे बढ़ें और बढ़ते ही चले जाएं, हर मंजिल आपकी कदम चूमें, दुनिया की हर सफलता आपको मिले. ऐसा पोइट का भी मानना है, संदेश है. और एक टीचर होने के नाते मेरा भी उस संदेश को आप तक पहुंचाना है, कुछ अपनी बातों को मिलाते हुए. आई होप आपको इस पोएम का कंटेंट समझ में आया होगा, इस पोएम समझ में आई होगी. ठीक है,
इसे एंजॉय करिए, ना समझ में आया हो तो बार बार देखिए, दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यही सेंट्रल आइडिया है पोएम का कि दैट वी ऑल मस्ट गो ऑन एंड ऑन, वी ऑल मस्ट कीप ऑन वर्किंग विदाउट टेकिंग रेस्ट एज मच एज पॉसिबल विद ऑल आवर कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज, अपनी क्षमता के साथ, अपने साधनों के साथ, अपनी योग्यता के साथ आगे बढ़ते रहें, सफलता हमारी होगी, जीवन में हम आगे ही बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव ए गुड डे एंड हैव फन इन योर लाइफ। थैंक यू।